गाइस, मैं खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। विकास दुबे के पिता ने अभी एनकाउंटर को लेके अभी काफी बड़ी बातें बोली है। उन्होंने उस एनकाउंटर को सही ठहराया है और बोले, हमारा कहा मानता तो ये सब चीजें नहीं होती और ये सब दिशा उसकी इसलिए हुई क्योंकि उसने हमारा कहना नहीं माना। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, उनके पिता का क्या कहना है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, किसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। आप सब लोगों को पता है कि जो कि विकास दुबे है वो एनकाउंटर में मारे गए हैं और उनको एक्चुअली 3 गोलियां लगी थी, जो कि 2 छाती में और 1 बाजू में लगी थी और हॉस्पिटल जाते समय ही उनका वहां पर निधन हो गया। और उस दौरान ही ये जो पूरी खबरें हैं वो काफी तेजी से फैल रही है कि उनकी माता का क्या कहना है, उनकी बीवी रीचा का क्या कहना है और उसी दौरान ही उनके जो कि पिताजी है उनका क्या कहना है। इस दौरान ही जब गैंगस्टर विकास दुबे के बुजुर्ग पिता को जब किसी ने बताया कि एक्चुअली में उनके बेटे का एनकाउंटर में वो मारा गया है, तब पिता ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। विकास के पिता को जब इस घटना के बारे में पता चला तब उन्होंने ये सब चीजें कहा कि किसी ने बताया कि हमारे बेटा मारा गया है, हमने कहा कि ठीक है। और उस दौरान ही जब उनके पिता से पूछा गया कि क्या आप उसके अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे, तब उनके पिता ने ये चीज बताया कि हम क्यों जाए उसके अंतिम संस्कार के लिए, अगर वो आज हमारी बात मानता और ये सब चीजें नहीं करता तो ये दशा उसकी नहीं होती, ऐसे वो प्राप्त नहीं होता मृत्यु को। तो अभी उनके जो फैमिली वाले हैं, जो उनके माता पिता है, वो विकास दुबे को ही गुनहगार मानते हैं और जो इनकाउंटर किया गया है उसको सही मानते हैं। आप लोगों को पता है कि विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मचारियों को मार गिराया था और उस दौरान से ही पुलिस वाले इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई और कानपुर में इसको ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया गया था, जो कि गाड़ी पलटी और उस दौरान ही इसने पुलिस कर्मचारी की बंदूक ली और उसको मारने की भी कोशिश की, जिस दौरान ही पुलिस कर्मचारियों ने वहां पर एनकाउंटर में विकास दुबे को मार दिया। हालांकि उनके फैमिली वाले अभी पुलिस की इस जो कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसको सही ठहरा रहे हैं, पर काफी सारी ऑपोजिट पार्टीज है जो कि इसके ऊपर भी उंगलियां उठा रही है, सवाल उठा रही है। हालांकि आपका क्या जवाब है इसके ऊपर, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।